आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। और आज मैं आपको ये बताऊंगा कि अमेज़ॉन लिस्टिंग पे परसेंटेज ऑफ का जो प्रमोशन होता है वो कैसे क्रिएट करते हैं। अगर आप ये प्रमोशंस क्रिएट करते हैं अपनी लिस्टिंग पे तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपकी सेल बढ़ेगी। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले आपको अपना अमेज़ॉन का सेलर का डैशबोर्ड ओपन करना है, या 3 लाइन्स पर क्लिक करना है, यहाँ एडवर्टाइजिंग पर आना है, और यहाँ लास्ट में प्रमोशंस है, यहाँ पर क्लिक करना है। अब प्रमोशंस हम दो तरीके के बना सकते हैं। एक तो बाय वन गेट वन वाला प्रमोशन होता है, जिस पे मैंने वीडियो बनाया है, आप अमेज़ॉन की प्लेलिस्ट पे जाके वो वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, लेकिन आज हम सीखेंगे परसेंटेज ऑफ वाला। तो इसमें हम यहाँ दबाएंगे क्रिएट। सबसे पहले कंडीशंस दी हुई है, सबसे पहले आपको ये चुनना है कि आप जो ये परसेंटेज ऑफ का जो ऑफर है ये किस कंडीशन पे देंगे। मतलब मिनिमम अमाउंट पे एटलीस्ट इतने अमाउंट का बायर जब परचेज करता है तब, एटलीस्ट क्वांटिटी इतनी जब परचेज करता है तब, या फिर एवरी क्वांटिटी पे। तो मैं चुनूँगा एटलीस्ट दिस क्वांटिटी ऑफ आइटम। ठीक है, मतलब जब बायर एटलीस्ट अब दो चुनता है मेरे प्रोडक्ट की क्वांटिटी, तब उसे मिलेगा। ठीक है, जो परसेंटेज ऑफ है, और आप भी अपने हिसाब से चुन लेंगे। परचेज आइटम मतलब किन आइटम्स पे, तो हम जो आइटम्स हैं हमें सेलेक्ट करने हैं किन किन आइटम्स से आपको ये ऑफर चलाना है। आप ये आइटम ASIN नंबर वाइज चुन सकते हैं, SKU लिस्ट वाइज चुन सकते हैं, या पूरा एंटायर कैटलॉग वाइज। तो मैं चुनूँगा ASIN लिस्ट, और यहाँ पे अपने जितने भी ASIN नंबर्स हैं सबको आप कॉपी पेस्ट करते जाएंगे। ठीक है, इस मैंने कर दिया है, आप भी अपने हिसाब से कर लेंगे। ठीक है, आप जितने होंगे क्या है, बायर गेट्स परसेंटेज ऑफ, ये ऐसे ही रहेगा। अब कितना परसेंटेज ऑफ रहेगा, यहाँ बाय डिफॉल्ट दिया हुआ है 1, तो मैं यहाँ चुनूंगा जैसे 10, तो मैं 10% का परसेंटेज ऑफ देना है। आप अपने हिसाब से 5%, 20%, 30%, जो आपकी इच्छा अपने हिसाब से देखें आप। ठीक है ना, अभी अप्लाइज टू क्या है, अभी परचेज आइटम पे अप्लाई होगा कि क्वालिफाइंग आइटम पे होगा। देखिए, परचेज आइटम पे तो जब अप्लाई होगा तो उसमें तो सिंपल ही होगा, जब भी बायर परचेज करता है एटलीस्ट टू क्वांटिटी आपके प्रोडक्ट की, तो उसको 10% ऑफ मिलेगा। ठीक है, लेकिन क्वालिफाइंग आइटम अगर आप चुनते हैं तो आपको सिर्फ ASIN नंबर डालने पड़ेंगे, सिर्फ उन्हीं ASIN नंबर पे जो बायर को है ऑफ मिलेगा। ठीक है ना, जो क्वालिफाइंग आइटम होंगे, तो हम क्वालिफाइंग आइटम नहीं, हम चुनेंगे परचेज आइटम, मतलब जो भी परचेज करेगा हमारी कंडीशन के हिसाब से तो उसको ऑफ मिल जाएगा, डिस्काउंट मिल जाएगा। बजट सेट करना है, मतलब कितने तक का बजट होगा आपका, मैं 3,000 ही डालूंगा, मतलब कितने रुपए तक का ऑफर देना चाहते हैं आप। ठीक है ना, एट लास्ट यहाँ चुना हुआ है कि बता रहे हैं आपको टायर्स की, एटलीस्ट जब दो क्वांटिटी बायर चुनेगा तो उसको 10% का ऑफ मिलेगा। अगर आप चाहें तो इसे बदल सकते हैं, ठीक है, आपकी इच्छा है। इसके अलावा शेड्यूलिंग है, मतलब आपको ऑफर कब से स्टार्ट करना है। जैसे मुझे करना है, मान लीजिए 14 से शुरू करना है, और कितने बजे से शुरू करना है, 14 तारीख की, और ख़त्म कब करना है ऑफ़र, ये भी आप अपने हिसाब से चुन लेंगे, और किस टाइम तक। ठीक है, प्रमोशन का टाइटल डालेंगे, जैसे जैसे एग्जाम्पल दिए हुए मदर्स डे फ्री शिपिंग, तो आप इसमें टाइटल डालेंगे लिमिटेड पीरियड ऑफ़र, या लिमिटेड ऑफ़र, या आपकी इच्छा अपने हिसाब से डालेंगे। ठीक है, ये ट्रैकिंग आईडी यही रहेगी बाय डिफॉल्ट। अब इसमें ये है, क्या आप अपने कस्टमर को कुछ कूपन कोड देना चाहते हैं। मतलब कि एक तो होता है कि मतलब कस्टमर ने आपकी कंडीशन के हिसाब से प्रोडक्ट परचेस करे तो उसको ऑटोमेटिकली 10% ऑफ मिल जाएगा, और एक होता है कि आपको कूपन क्रिएट करना है, मतलब जब कस्टमर वो कूपन कोड डालेगा तभी उसको डिस्काउंट मिल पाएगा। तो हम कूपन कोड का जो ऑप्शन है वो नहीं लेंगे। ठीक है ना, क्योंकि बहुत से कस्टमर्स को कूपन डालना भी नहीं आया हो सकता, तो हम नहीं चुनेंगे यहाँ पे। ठीक है, और फिर यहाँ पे हम दबा देंगे रिव्यू, रिव्यू कर देंगे। तो इसमें ये बताया हुआ है कि ये आपकी है डिटेल्स, क्या क्या आपने कैसे ऑफर बनाया था, सब कुछ दिया हुआ है आपको। ठीक है ना, कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस भी बताई हुई है। जब ये सब हो जाएगा इसके बाद आप दबा देंगे सबमिट, तो हमारा जो प्रमोशन है क्रिएट हो चुका है। ठीक है ना, योर प्रमोशन हैज़ बीन क्रिएटेड। आज के इस वीडियो में इतना, थैंक यू।